परसेंटेज आपको एक बार याद रखनी है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज ज्यादा है तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 100 करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, 100 से मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन टू परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई। आइए देखते हैं, तो पहली फ्रैक्शन मैंने ले ली क्या 1/2, तो 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 1 2 52 100, तो आ जाएगा 50%, 1/2 कितना हो गया 50%, तो 100 का कितना होता है, हाफ होता है, तो देखिए आउट ऑफ 100 कितने आए 50, अगर किसी की फ्रैक्शन 1/2 है तो आउट ऑफ 100 कितने आ रहे 50% आ रहे हैं, यही हमने पढ़ा था कि जो परसेंटेज होता है इसका मतलब आउट ऑफ 100 कितने आ रहे हैं। अब अगली फ्रैक्शन हम ले लेते हैं, वैसे ही मैंने ले लिया 3/4, तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको चेंज करके देखिए क्या आ रहा है, तो 3/4 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो 4 1 4 25 4 100, तो कितना आ जाएगा 75% आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर मान लीजिए मैंने 1/4 ले लिया, तो 1/4 क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो कट देंगे तो कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा, getting my dear students, ये कितना हो गया 25% हो गया, ठीक है। और फ्रैक्शन ले लेते हैं, इस तरीके से आप फ्रैक्शन बनाते जाइए, 1/5 कितना होता है, 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा, आप इसको काटोगे तो। वैसे आप और फ्रैक्शंस बना सकते हो, 1/6 बनाइए, वीडियो को पॉज करिए और बना के देखिए कितना आता है, 1/6 × 100, ठीक है, बचता है 4, तो 4/6% आएगा, और इसको आप फर्दर तोड़ोगे 2 × 4 × 3 × 6 हो जाएगा 16 3/3% आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाकी वाली फ्रैक्शंस बनाइएगा, जैसे मैं आपको फ्रैक्शंस बता देता हूँ, आपने यहाँ पे जो फ्रैक्शन बनानी है 1/12 की बना लीजिएगा, ठीक है, देन 1/3 की बनाइएगा, ये आपकी फ्रैक्शंस में जाएगी, और नेवरदलेस आप बनाइए 1/20 बनाइए, ठीक है, और 1/25 बनाइएगा, जब आप ये फ्रैक्शन बनाओगे आपके समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसको चेंज करना है। तो आपने समझना क्या है, फ्रैक्शन से जब भी परसेंटेज में जाना है तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर विद 100, आपने क्या करना है फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाएंगे 100 से।